हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडमी नोट 3 का नया अपडेट आ गया है। तो दोस्तों, मैंने ये जो अपडेट है रेडमी नोट 3 का, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कि कितना चेंजेस हो गया है मेरा फ़ोन। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए रेडमी नोट 3। हाँ दोस्तों, ये आपको मार्शमेलो में ही मिलेगा, मगर आपको ये 9.2.40 तो आपको ये स्टेबल रोम मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको इसके फीचर के बारे में बता दूँ, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये एक चीज़ और भी है इसमें कि मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें वोल्टेज सपोर्ट नहीं हो रहा है दोस्तों किसी किसी के फ़ोन में। तो दोस्तों, ये ध्यान भी रखिए कि इसके अपडेट करने से पहले ये ध्यान भी रखिए कि ये किसी किसी के फ़ोन में अपडेट नहीं हो रहा है, इसमें वोल्टेज सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें वोल्टेज सपोर्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ जियो का लगाया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए जियो से अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, तो जियो से अगर किसी को कॉल करूँगा मैं, तो वो आसानी से चले जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको दोस्तों मैं कॉल करके दिखाता हूँ अपने ही, ये देखिए आपको इसमें कॉल करके दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे इसमें कॉल किया है, तो इसमें मुझे इसके लिए नेट ऑन करना पड़ रहा है। तो नेट ऑन करने के बाद ही ये सपोर्ट कर पा रहा है दोस्तों। तो देखिए, आपने जैसे देखा होगा कि नेट ऑन किया तो तुरंत इसने एक्टिवेट हो गया। तो ये अब इसे कॉल के लिए ये जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉल के लिए भी, देखिए अब गया। अब मैं आपको यही चीज़ मैं आपको उससे भी करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान रहे कि ये आप अगर अपडेट करते हैं तो आपको वोल्टी सपोर्ट से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं आपको जैसे कि दिखा दूँ, सिम में सेटिंग में जाके पहले यहाँ पर वोल्टी दिखाता था ऑन करने के, मगर अब यहाँ पर वोल्टी नहीं दिखा रहा है। तो कहाँ सेटिंग भी चेंज हो गई है इसकी, और इसमें वोल्टी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ LTE है, कोई वोल्टी नहीं है। और देखिए ये वोल्टी, और मेरे ऊपर इसमें जियो तो दिखा रहा है 4G, मगर वोल्टी सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे अलग से ही ये डाउनलोड करना पड़ा। तो दोस्तों, और भी कहीं फ्यूचर है इसमें, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे, अब मैं ये मेरा नोवा लॉन्चर इसमें चला रखा है। तो मैं नोवा आपके ही सामने नोवा लॉन्च को हटाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने हटाया और उसके बाद मैं गया सेटिंग में। तो दोस्तों, मैं सेटिंग में जाने के बाद मैं आपके ही सामने यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर गया मैं। तो दोस्तों, MIUI 9 अपडेट होने के बाद काफ़ी, मतलब फीचर तो काफ़ी अच्छे हैं इसमें, और ये लाइट भी है और फास्ट भी है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें डुअल एप्स भी दिखा रहा है ये, और परमिशन को भी दिखा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहली बात तो मैं इसका आपको वो दिखा देता हूँ, सिस्टम ऐप। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है दोस्तों, मगर मैं आपको इसकी सेटिंग चेंज करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, रिफ्रेश और रीसेट भी आप ऐप को कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ गया, ठीक है, ये तो मैं अनलॉक करता हूँ MIUI लॉन्चर। ये नोवा लॉन्चर है और बहुत ही अच्छा लॉन्चर है ये दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर जाके इसकी सेटिंग दिखाऊंगा। सेटिंग दिखाने के बाद जिस तरह से आप देख रहे होंगे, तो अब मैं यहाँ पर सेट जाके सिस्टम लॉन्चर को एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने सिस्टम लॉन्चर को एक्टिवेट कर दिया है।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि काफी प्रॉब्लम के बाद ये अब सेट हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी टाइम लगाने के बाद जो मियाई नाम में नाइन जो 9.2.4 है स्टेबल रोम है, जो काफी वो कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें काफी बग्स निकल रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि इसे अपडेट आप सोच समझ के कीजिएगा। तो इसमें कहीं भी न्यू फीचर है। देखिए जैसे मैं कॉल का आया है, मैं किसी को कॉल लगा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपने सामने लगाया कॉल, तो देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिकली कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोल्ट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये वोल्ट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है ऊपर से। दोस्तों ध्यान रहे आपको कि देखिए मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाऊंगा, अबाउट में आपको दिखा दिया है कि 9.24.0 देखो स्टेबल रोम है और ये 6. मार्च मेलो में है। और मैंने ये मेरा सेट रिव्यूट भी नहीं किया है। और तो दोस्तों आपको ध्यान रहे कि ध्यान देना यहाँ पर कि अब मैं दोबारा फिर सेटिंग में गया, सेटिंग में सिम जाने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टी नहीं दिखाया जाएगा, वोल्टी आपको सेट में मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए आपने देखा होगा कि वोल्टी नहीं मिल रहा है यहाँ पर और वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है जियो का सिम। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे जियो का, मगर वोल्टी नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे वोल्टी भी नहीं है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मियाई नाइन में फ्यूचर तो काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए जैसे कि आप दिखा रहे, पहले हमें दिक्कत होती थी, हमें एक एक ऐप को ऐसे ऐसे करके ले जाना पड़ता था, मगर अब हम जैसे ही ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे और आप किसी भी फोल्डर में ले जा सकते हो। तो जैसे कि मुझे ये यहाँ पर ले जाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक में जोर से प्रेस करिए, फिर उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये पेस्ट होने हो जाएगा। जैसे मैंने ये किया और यहाँ पर तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने काफी तो नॉट एंजॉय स्पेस दिखा रहा है दोस्तों, मेरे उसमें स्पेस नहीं है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ खाली जाके, तो ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर जाके ये क्लिक आ गया। तो दोस्तों ये ऐसे में काम करता है, वर्क करता है। तो मेरे इसमें स्पेस नहीं था इसलिए ये दिखा नहीं रहा था। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा इसमें काफ़ी मतलब बग्स भी ज़्यादा है और ये इतना अच्छा स्टेबल रोम भी नहीं कह सकते इसको। दोस्तों इसमें फ्यूचर तो दिए गए हैं, मगर कुछ देखिए पहले अबाउट ऊपर आता था, नीचे आता था, अब ऊपर आने लगा है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन बातें बताता रहूँगा। ओके दोस्तों ध्यान रहे, और आपका आपके इसमें ये अपडेट आया होगा तो प्लीज़ सोच समझ के अपडेट किए। मेरे हिसाब से तो अपडेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपडेट करना वैसे अच्छी बात है, मगर ये वोल्टेज सपोर्ट नहीं कर रहा तो इस कारण थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों प्लीज़ सोच समझ के इंस्टॉल कीजिएगा।